पंडित रमाबाई के जीवन पर आधारित उनकी जीवन यात्रा सन 1858 से 1922 तक, जिसे हमने गवाहों का बादल भाग 1 से 5 तक संशोधित सामूहिक संस्करण डॉक्टर सौरभ पंडुरिया द्वारा लिखित इस किताब से लिया है। आइए इसे सुने। रमा, अपना सामान संभालो, हम प्रस्थान करने पर हैं, एक लड़के ने आवाज लगाई। छोटी ब्राह्मण लड़की ने निराशा से अपने भाई की ओर देखा, फिर पूछा, हम क्यों बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते फिर रहे हैं? कितना सुंदर है यह गांव, क्यों नहीं हम यहीं ठहर जाएं? उसके भाई ने सिर हिलाकर कहा, रमा, तुमको मालूम है कि हमें सभी तीर्थ स्थान जाना है और पिताजी को हर स्थान में पुराण का पाठ करना है, यह तो हमारी जीविका का साधन है। छोटी लड़की ने अपनी नन्ही गठरी उठाई और आह भरकर परिवार के लोगों के साथ चलना प्रारंभ कर दिया। रमा, जो बाद में पंडिता रमाबाई के नाम से सुविख्यात हो गई, एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में दक्षिण भारत के मंगलोर जिले में पैदा हुई थी। परिवार में वह सबसे छोटी थी। जब वह 6 वर्ष की थी, तब से उसके माता पिता घर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े थे। रमाबाई को एक टोकरी में बिठाकर ले जाया जाता था। एक तीर्थ स्थान में कुछ महीने रहकर वे दूसरे तीर्थ स्थान पर मंदिरों में देवताओं के दर्शन करते थे। सभी स्थलों पर उसके पिताजी संस्कृत भाषा में पुराण पाठ करते थे। उसके पिता ने उसको संस्कृत भाषा सिखा दी थी। अपनी माता से रमाबाई ने भी संस्कृत पढ़ना सीख लिया। उसके जीवन का यह काम उनके पिता के निर्बल होने तक चलता रहा। उनके पास जो पैसा था वह खर्च हो चुका था और धार्मिक प्रतिबंधों के कारण वे कोई दूसरा व्यवसाय भी नहीं कर सकते थे। इसी समय जिस क्षेत्र में रमाबाई और उसका परिवार रहते थे, एक भयंकर अकाल पड़ा। हर कोई भूख से तड़प रहे थे और सभी बिना भोजन के इधर उधर फिरते थे, कोई और दूसरा काम जानते भी नहीं थे। आखिर ऐसा समय आ गया कि उनके पास चावल का एक दाना भी खाने के लिए नहीं था। वे आत्महत्या करने पर उतारू हो गए, परंतु परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के कारण उन्हें ऐसा करने से रोका। वे गांव में एक मंदिर में आश्रय हेतु पहुंचे, परंतु मंदिर के पुजारी ने उन्हें निकाल दिया। वे निकट ही एक पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर में जाकर टिके। कुछ समय के पश्चात उसके पिता का वहीं देहांत हो गया और उसके बाद ही उसकी माता और बहन भी भूख के कारण मर गए। वह दूसरों का दुख समझ सकी और उनके उद्धार के लिए प्रयास करने लगी। अब रमाबाई और उसके भाई ही जीवन का अकेले सामना करने के लिए बच गए थे। एक रात बहुत अधिक ठंड थी, उससे बचने के लिए उन्होंने नदी के किनारे जाकर अपनी देह को गले तक धरती में गाड़ दिया। कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ता था। पूजा पाठ करते फिरे वे पैदल ही लगभग 40 मील चले होंगे, तब कहीं जाकर कलकत्ता पहुंचे। वहां वे सुरक्षित ब्राह्मणों के संपर्क में आए। पुराण पाठ करके वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। इसी तरह रमाबाई एक चतुर शिक्षिका महिला बन गई। उनके ज्ञान से और भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उसके निश्चय से बड़े बड़े पंडित भी चकित रह गए थे। बड़ी निडरता से उसने घोषणा की कि महिलाओं को शिक्षण की आवश्यकता है। उसे सभाओं में प्रवचन करने को भी आमंत्रित किया जाता था। उसे पंडित की उपाधि से पंडितों द्वारा सम्मानित किया गया। उसी समय वह पंडिता रमाबाई के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कलकत्ता शहर में ही सर्वप्रथम वह मसीही लोगों के संपर्क में आई। उसे एक मसीह सभा में आमंत्रित किया गया था। वहां की शैली और रीति से वह बहुत अधिक प्रभावित हुई। उसे पढ़ने के लिए किसी ने संस्कृत की बाइबल दे दी। उसने उसे नहीं पढ़ा क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया था, परंतु उसने उसको अपने पास ही रखा। हिंदू धर्म ग्रंथों का और अन्य धार्मिक ग्रंथों का संपूर्ण अध्ययन करने पर भी उसे कोई संतोष प्राप्त नहीं हुआ। उसे अपने पूर्वजों की रूढ़िवादिता पर अविश्वास हो गया था और 22 वर्ष की आयु में उसने शूद्र जाति के बंगाली युवक से शादी कर ली। जब वह अपने पति के साथ आसाम में थी, तो एक दिन उसे बंगाली भाषा में लिखी हुई एक छोटी सी पुस्तक मिली और वह उसे बड़ी रुचि से पढ़ने लगी। यह संत लुका द्वारा रचित सुसमाचार था। मसीही मिशनरी भी उसके पास आया जाया करते थे। इससे उसका पति बड़ा अप्रसन्न रहता था, परंतु विवाह के
दो वर्ष बाद वह हैजे से मर गया। इस अल्प आयु में रमाबाई विधवा बन गई। उसने एक लड़की को भी जन्म दिया जिसका नाम मनोरमा था। अपने पति की मृत्यु के बाद रमाबाई अपनी बेटी को लेकर पुना आ गई और यहाँ भी वह मसीही मिशनरियों द्वारा मसीह धर्म के विषय में सुनती थी। रमाबाई ने शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना उचित समझा, अतः सन 1883 में वह अपनी पुत्री को साथ लेकर इंग्लैंड चली गई। वहां आंग्ल कलीसिया संभालने वाली बाइबल शिक्षक और गृहिणी बन गई। किसी लड़की को मुक्ति से चले जाने पर उसका स्थान तुरंत दूसरी लड़की ले लेती थी। मध्य भारत में एक बड़ा दुष्काल पड़ा और बहुत से लोग भूख से मरने लगे। रमाबाई को एकदम वह समय याद आया जब वह स्वयं भी एक ऐसे अकाल से गुजरी थी। वह सोचने लगी कि किसी तरह से इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। 300 ऐसी लड़कियां थी जिनको सहायता की जरूरत थी, परंतु इस बड़े कार्य के लिए करें क्या? मुक्ति में तो स्थान अपर्याप्त था। वह प्रार्थना करने लगी और अपने मित्रों को इसके विषय में लिखा। शीघ्र ही मसीही लोगों ने जब उसके लिखे हुए वृत्तांत को पढ़ा तो तुरंत सहायता देने को तैयार हो गए। अपने प्रभु के लिए कार्य करने में रमाबाई सदा व्यस्त रही। वह अक्सर यात्रा करती, सिखाती और प्रचार करती थी। उसने मराठी में कुछ गीत भजन भी लिखे। उन दोनों सदनों का प्रारंभ साधारण था, परंतु वे इतने विशाल हो गए कि केवल मुक्ति ही 2000 लड़कियों और महिलाओं से भर गई। रमाबाई के सहायकों की संख्या भी 100 से अधिक थी। अंत में रमाबाई ने 1922 में अपने प्रभु के ये वचन सुने। धन्य है हे उत्तम दासी, तूने बहुत अच्छा कार्य किया और अपने अनंत पारितोषिक को प्राप्त करने चली गई। परंतु उसका प्रारंभ किया हुआ कार्य तो चल रहा था। आज मुक्ति मिशन केड़गांव का कार्य चालू है और अछूतों और असंख्य लोगों ने यहाँ से संतोष और उपयोगिता का जीवन प्राप्त किया। एक दिन जब हमारा प्रभु फिर से आएगा और उस समय विश्वास करने वाले जी उठेंगे, उस समय जिन महिलाओं और बालकों के लिए रमाबाई ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था, वे भी उठकर उसे धन्य कहेंगे। यह कैसे संभव हुआ? एक दुर्बल ब्राह्मण महिला जिसको लोगों ने अछूत समझकर तिरस्कार कर दिया था, कैसे परमेश्वर और समाज के लिए ऐसा महान कार्य कर सकी? रहस्य केवल यही है, जब उसने अपना स्वयं का जीवन केवल एक ही प्रभु यीशु के हाथों में दे दिया तो प्रभु ने उसके जीवन के लिए एक उद्देश्य भी रखा और उसका उपयोग भी किया। प्रभु की सामर्थ्य से यह संभव हो सका। रमाबाई ने स्वयं एक बार कहा था, परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है वह तुम्हारे लिए भी कर सकता है। केवल एक ही जीवन है, वह भी क्षण भर में मिट जाएगा। जो प्रभु के लिए किया गया है केवल वही अटल रहेगा।